हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य एंड फाइनली हम कंप्लीट कर लिया 1 लाख सब्सक्राइबर, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। एंड इतना बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट करना आप लोगों के बिना नामुमकिन था। सो अगेन एंड अगेन, मैं कितने बार बोलूँगा इस वीडियो में मुझे भी नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच। एंड जो वीडियो को देखता है, सब्सक्राइब करते नहीं भी करते, वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, कॉमेंट करते हैं, तो इट्स मीन्स लॉट टू मी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम 3 चीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम अनबॉक्स करने वाले हमारा सिल्वर प्ले बटन, जो कि हमें यूट्यूब की तरफ से मिल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने क्यों एंड कैसे बैडमिंटन स्टार्ट किया, माई कॉलेज ड्रॉप आउट स्टोरी, माई यूट्यूब जर्नी, एंड कोशिश करूंगा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एंड जो मेरी गलतियां रही थ्रू आउट द जर्नी वो भी शेयर करूंगा, जिससे आप वो सब गलतियां ना करें। ऑल्सो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, लेकिन अब समय आ गया कि मुझे मैक्सिमम चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। एंड तीसरी चीज़, इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने के कारण हम लास्ट में इस वीडियो के 2 रैकेट गिव अवे करेंगे। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्स। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा सिल्वर प्ले बटन का बॉक्स है, ब्लैक कलर का बॉक्स हमें देखने को मिलता है। एंड चलिए, एक्चुअली मैं इसको ऑलरेडी पेरेंट्स के साथ अनबॉक्स कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और कर लेते हैं आप लोगों के साथ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमको कुछ कार्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब का की तरफ से एक लेटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिनके जो कि CEO सुजैन ने भेजा है, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो आप लाइक वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रख देता हूँ साइड में। एंड उसके बाद ये है हमारा सिल्वर प्ले बटन गाइस। एंड ये झिल्ली को बाहर निकालते हैं सबसे पहले। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया, यहाँ पूरा सिल्वर कलर का, ऑब्वियसली थोड़ा सा हैवी है। एंड यहाँ यूट्यूब का लोगो देखने को मिलता है, ये पूरा मिरर टाइप का, इसमें आप पूरा लाइक ट्रांस, जैसे हमारा घर में आईना रहता है, सेम वैसी टाइप का यहाँ है। बीच में इसका लोगो, एंड यहाँ लिखा है प्रेजेंटेड टू हाईटेक बैडमिंटन फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड यहाँ यूट्यूब, ये सब थोड़ा 3D टाइप का लिखा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। एंड पीछे में 2 होल दिया है, लाइक आप दीवार में ऐसे टंगा सकते हैं करके, सो काफ़ी बढ़िया है। सो लाइक मैंने इवन सोचा नहीं था स्टार्टिंग में कि लाइक 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा बैडमिंटन रिलेटेड नीश में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये हमारा सिल्वर प्ले बटन। सो गाइस, चलिए मैं आपको अपनी थोड़ी जर्नी बता देता हूँ। तो 2011 से 2014 की बात करूँ, तो जब मैं 13 से 16 साल के बीच में था, तो मैं 2 गेम काफ़ी खेलता था, क्रिकेट एंड टाइकोंडो। एंड इवन टाइकोंडो में मैंने 1 नेशनल खेला है, क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट के ट्रायल दिलाए हैं। सो उस समय मुझे ये पता नहीं था कि अगर हम एक गेम को फोकस करके चलेंगे तो उसमें मैक्सिमम चांस हो जाता है एक्सेल करने के लिए। सो यहाँ मेरी छोटी सी लर्निंग मैं देना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी गेम खेलते हो एंड उसमें आपको इंटरेस्ट है एंड आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो उस गेम को पकड़ के तो मैक्सिमम चांस रहेगा उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप अगर उसमें 5, 8, 10 साल दोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या आ गया, हमारा 10th आ गया। 10th में पढ़ाई को भी लेकर काफ़ी वो था, तो बोर्ड था एक्चुअली हमारा, तो पढ़ाई को भी लेकर काफ़ी वो था। एंड उसके बाद फिर उस समय मुझे क्रिकेट को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा लाइक मैं फोकस था, लाइक खेलना है करके। लेकिन हमारा एग्ज़ाम होने के बाद मैं अनफॉर्चुनेटली अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाया कि लाइक मुझे क्रिकेट की तरफ जाना है, लाइक खेलना है। कन्वेंस तो दूर की बात है, मैं तो कह ही नहीं पाया। मैं जैसे कि बताया तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, तो मैं कह ही नहीं पाया, तो कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होगा? तब तक से आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आगे की बात कैसे होगी? सो अनफॉर्चुनेटली आई एंडेड अप डूइंग माई JEE। सो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ महासमुंद छत्तीसगढ़ से। सो यहाँ से लाइक 11, 12 मैं गया था विशाखापट्टनम JEE की प्रिपरेशन करने। सो गाइस, 2014 से 2016 की बात करूँ तो ये 2 साल मेरा पूरा विशाखापट्टनम में बीता। एंड इस समय पढ़ाई को भी लेकर काफ़ी सीरियस हो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगे थे, तो हम दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, इवन 12 के एंड में 16 घंटे पढ़ते थे। एंड खेलने की बात करूँ तो वहाँ हमें खाली संडे को टाइम मिलता था, तो हम क्रिकेट या बैडमिंटन ऐसे खेल लेते थे। लेकिन वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एंड वहाँ लर्निंग मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि मेहनत तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप वो राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ, मैं मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन पढ़ाई को एक राइट डायरेक्शन में नहीं, नॉट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सो मेरा क्लियर नहीं हुआ। सो गाइस, 2016 से 2018 की बात कर लेते हैं। तो मैंने जब 12 पास किया तो उसके बाद भी मुझे लगा कि लाइक क्रिकेट में अभी भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ घटित घटनाओं के कारण पूरा मूड ही हट गया। लेकिन जो 3 महीना रहता है जो हमारा 12 के बाद कॉलेज एंटर करने के पहले, सो उस 3 महीने में हम काफ़ी ज़्यादा बैडमिंटन खेले। मेरे को याद है हम 6 से 8 लोग रहते थे, हमारे होम टाउन में एक ही बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था और हमें वहाँ 1 से 1.5 घंटा मिलता था। सो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी जगह बैडमिंटन को लेके। एंड उसके बाद फिर मेरा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ मैकेनिकल ब्रांच में। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वहाँ इंटर कॉलेज टूर्नामेंट बैडमिंटन का हुआ, तो मैंने वहाँ खेलने गया। एंड जो क्लब में था उसके बाजू में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी चल रही थी, तो मेरा वहाँ से भी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जागा। फिर कुछ दिनों बाद मैं खुद वहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन किया। एंड मेरे को याद है कि अभिषेक भैया करके थे, वहाँ मैं उनके अंडर 8 मैंने खेला। एंड इवन मुझे याद है कि मुझे बैडमिंटन ग्रिप पकड़ना नहीं आता था, ठीक है, हम खेलते थे पहले ऐसे ही खेलते थे, लेकिन वहाँ मैं प्रॉपर ग्रिप पकड़ना सीखा, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर स्टेपिंग, स्मैश कैसे मारते हैं एंड ऑल सब सीखा। एंड फिर 8 महीने बाद वो भैया जो मेरे को सिखाते थे वो खुद हैदराबाद चले गए थे बैडमिंटन ट्रेनिंग लेने। उसके बाद फिर मैं एक और दूसरे जगह कोचिंग चेंज किया। एंड फिर हर्षित भैया करके उनके यहाँ मैंने कोचिंग लिया, कम से कम 6 महीना उनके यहाँ खेला। सो गाइस उसके बाद मेरा मैनेज नहीं हो रहा था बैडमिंटन एंड मेरा कॉलेज, एंड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी हो रहे थे कॉलेज की तरफ से। सो मेरे को लगा कि लाइक सही डिसीज़न रहेगा कि ड्रॉप आउट कर लेते हैं। सो मैंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया। लेकिन गाइज यहाँ मैं एक और लर्निंग देना चाहूँगा। उस समय एक्चुअली मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था या मुझे कोई गाइड करने को नहीं था, तो ये डिसीज़न मेरे को लेना पड़ा। लेकिन डेफिनेटली आप पढ़ाई के साथ साथ भी बैडमिंटन बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड आपको बस एक सही डायरेक्शन चाहिए, एक सिस्टमेटिक मैनर में चाहिए, तो आप दोनों में ही बहुत अच्छा कर सकते हो। उस समय लाइक डायरेक्शन नहीं था मेरे पास, नहीं तो मुझे वो डिसीज़न लेना पड़ा। लेकिन आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा इसके रिगार्डिंग। सो वहाँ से मैंने ड्रॉप आउट किया कॉलेज। एंड फिर मैं डायरेक्टली पेरेंट्स को ऑब्वियसली कन्विंस करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उस समय, क्योंकि आप बचपन से जब थोड़ा पढ़ाई के तरफ ज़्यादा रहते हो एंड सडनली आप ट्रैक चेंज करते हो स्पोर्ट्स के थ्रू, सो स्पोर्ट्स के तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन एनी हाउ मैंने इस बार थोड़ा सा कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को। एंड फिर डायरेक्टली मैंने बैग एक उठाया एंड पापा ने पैसे ऐसे दिए। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद गया, वहाँ ट्रेनिंग किया 1 साल। एंड बहुत ही अच्छी वहाँ ट्रेनिंग हो रही थी, 3 सेशन कर रहे थे, 1 फिटनेस, 2 ऑन कोर्ट। एंड काफ़ी मज़ा आ रहा था ट्रेनिंग में भी, काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग थी। एंड शुरू में क्या है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जब आप बिगनर इंटरमीडिएट में रहते हो, तो वहाँ जाके बड़े अकेडमी में जाके बच्चे लोग ऑब्वियसली उनसे हारोगे, क्योंकि वो 5 साल से 6 साल से खेल रहे हैं और आप 1 साल भी नहीं हुआ है खेले हुए आप, एंड उनको लाइक आप सोचो कि बीट करोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है जब आप प्रैक्टिस भी करते हो। लेकिन एक साल के बाद दौरान ऐसा सिचुएशन आया कि मैं उनको बीट करना चालू किया, सीनियर बैच में ट्रांसफ़र किया गया मुझे। एंड वहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। एंड 1 साल तक मैं बताऊँ वहाँ हम 6 से 8 घंटा दिन में प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद मैं 2 घंटा अलग से करता था। मैंने दिन में ऑलमोस्ट 10 घंटा प्रैक्टिस करता था 1 साल तक। लेकिन ये सही तरीका नहीं है गाइस, क्योंकि 1 साल तो चलो ठीक है मैंने कर लिया, बहुत अच्छा गेम भी बढ़ा, बहुत तगड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे जो मेजर इंजरी हुई, तो इंजरी होने के बाद मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं कंटिन्यू खेला, लेकिन उसके बाद फिर इंजरी और बढ़ गई। सो गाइस यहाँ एक लर्निंग मैं देना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनली बैडमिंटन खेल रहे हो तो आपकी बॉडी को अच्छी रेस्ट चाहिए, ठीक है, प्रॉपर गेम का जो सेशन है वो अच्छे से डिवाइड होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें लगती है। साथ ही साथ रिकवरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एथलीट को, जैसे आप प्रोफेशनली घुसोगे तो आपको ये सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जब आपको कुछ होता है, लाइक ऑब्वियसली जब मुझे इंजरी हुआ तो उसके बाद मुझे ये सब पता लगना चालू हुआ। सो गाइस मैं हैदराबाद में 1 साल खेला, 2018 के जून जुलाई से 2019 के अगस्त तक, तो ऑलमोस्ट 1 साल 12-13 महीना मैंने वहाँ खेला। काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी के कारण मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं ऑलमोस्ट जो इंजरी था मेरा वो ठीक नहीं हो रहा था, ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने काफ़ी सारे फिजियोज को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन अभी जाके 2022 में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है। अभी मैं ऑलमोस्ट 7 मंथ से कोई भी बैडमिंटन नहीं खेला और 3 महीना और लगेगा फुल्ली रिकवर होने के लिए। एंड अब मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी की बताता हूँ, तो लाइक मुझे जब इंजरी यूट्यूब का मेरा ख्याल जब मैं हैदराबाद में था 6 महीना हुआ, उसके बाद ही थोड़ा सा हिंट होकर मैंने आ रहा था कि बैडमिंटन वीडियोस यूट्यूब में बनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते रहते हो तो आपको उतना समय नहीं मिलता कि आप वीडियोस बनाओ, रिकॉर्डिंग करो एंड अपलोड करो। लेकिन जब मुझे इंजरी हुई तो उस समय थोड़ा सा टाइम मेरे को मिला, तो वहाँ से मैंने वीडियो बनाना चालू किया। उसके बाद सडनली लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के टाइम मैं आधा टाइम रीएप करता था, आधा टाइम वीडियो बनाने में फोकस करता था। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया। एंड उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू वहाँ से अभी तक आज तक हम वीडियो बनाते रहे। तो गाइस एक YouTube वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लाइक वीडियो के बारे में सबसे पहले सोचना, ठीक है, उसके बाद फिर रिसर्च करना, फिर स्क्रिप्टिंग करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना। अपलोडिंग के अंदर भी थोड़े से अलग अलग प्रोसेस है। तो अभी तक तो ये सारी चीज़ें मैं अपने से करता हूँ। एंड अगर आप चैनल पर नहीं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। एंड आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गिव अवे की अब बात कर लेते हैं, तो हम 2 रैकेट को गिव अवे करने वाले हैं गाइज। 1 लाख सब्सक्राइबर होने के कारण हम ये 2 रैकेट को गिव अवे करने वाले हैं। एंड गिव अवे का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा इस वीडियो को लाइक करना है, तीसरा नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। आप कमेंट कुछ भी कर सकते हो, आप इस वीडियो से या मेरे पुराने वीडियो से क्या सीखते हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। तो कमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो। एंड उसके बाद हम 2 रैंडम लोग को सिलेक्ट करेंगे एंड 31 अक्टूबर को हम विनर डिसाइड करेंगे। एंड ये मैं पोस्ट करूँगा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में 31 अक्टूबर को। साथ ही साथ जो हमारे यूट्यूब का कम्युनिटी रहता है, ठीक है, जैसे होम रहता है, वीडियोज़ रहता है, तो स्लाइड करोगे तो वहाँ कम्युनिटी रहता है, तो कम्युनिटी पोस्ट भी करूँगा एंड इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी डालूंगा 31 अक्टूबर को। सो क्राइटेरिया तो बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।